गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट द टॉपिक ऑफ गियर मैन्युफैक्चरिंग। गियर्स क्या होते हैं आपके? गियर्स जो हैं वो पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। गियर्स आर यूज्ड इन वेरियस मैकेनिज्म टू ट्रांसमिट पावर, टू ट्रांसमिट डिवाइसेस टू ट्रांसमिट पावर एंड मोशन पॉजिटिवली बिटवीन पैरेलल इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग फॉर नॉन पैरेलल शाफ्ट्स के अंदर, ठीक है, विदाउट चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, बिना किसी चेंज के रोटेशन में, विद चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन चेंज करके रोटेशन के अंदर तब भी गियर्स मूव करते हैं, चेंज ऑफ स्पीड ऑफ रोटेशन, रोटेशन स्पीड चेंज करके यूज होते हैं, स्पीड किसी में कोई गियर स्लो चल रहा होता है और साथ वाला ही उसका गियर फास्ट रोटेट करता है बिकॉज वो स्मॉल होता है, चेंज विथ चेंज इन स्पीड एट एनी डिजायर्ड रेशियो, किसी भी रेशियो में। रैक एंड पिनियन इज ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसफॉर्म रोटरी मोशन इंटू लीनियर मोशन एंड वाइस वर्सा, रोटरी मोशन और लीनियर मोशन में चलता है या वाइस वर्सा ऑपोजिट चलता है। नेक्स्ट आप या आपका गियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? फॉर्मिंग और मशीनिंग। फॉर्मिंग में क्या होता है? कास्टिंग, सिंटरिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग हो गया आपका, एक्सक्रूडिंग, कोल्ड ड्राइंग, स्टैम्पिंग, प्रीफॉर्मिंग और फोर्जिंग, जिनसे आपका गियर मैन्युफैक्चर्ड होता है। मशीनिंग में कौन कौन से हो गए? रफिंग, फॉर्म मिलिंग, रैक जनरेशन, गियर शेपिंग हो गई और हुबिंग हो गई। नेक्स्ट आ गया आपका फिनिशिंग करते हैं, शेविंग, ग्राइंडिंग, ब्रनिशिंग, लैपिंग और होनिंग, ठीक है। नेक्स्ट जनरल एप्लीकेशंस ऑफ गियर्स, गियर्स की जनरल एप्लीकेशंस कौन सी हैं? स्पीड गियर बॉक्स, फीड गियर बॉक्स, स्पीड ड्राइव्स इन टेक्सटाइल, जूट एंड अदर मशीनरी, ठीक है। गियर बॉक्सेस ऑफ ऑटोमोबाइल, प्रिसीजन इक्विपमेंट, क्लॉक्स एंड वॉचेस में आपने देखा है गियर्स का यूज़, इंडस्ट्रियल रोबोट्स, और आप जब छोटे होते टॉयज के साथ खेलते थे उन्हें कभी खोल के देखा होगा तो उसमें भी गियर्स का यूज़ किया जाता है। टाइप्स ऑफ गियर्स, पर गियर, पर गियर के किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं? टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन पैरेलल शाफ्ट, पैरेलल शाफ्ट में पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आ गया आपका हेलिकल गियर, हेलिकल गियर टू यूज ट्रांसमिट पावर बिटवीन पैरेलल और क्रॉस शाफ्ट और पैरेलल शाफ्ट के बीच में पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है। हेयरिंग बोन गियर्स टू ट्रांसमिट मोशन बिटवीन पैरेलल शाफ्ट, मोशन ट्रांसमिट करता है पैरेलल शाफ्ट के बिटवीन। वॉर्म एंड वॉर्म गियर यूज फॉर स्पीड रिडक्शन, स्पीड को रिड्यूस करने के लिए यूज होते हैं वॉर्म एंड वॉर्म गियर्स। बेवल गियर यूज टू कनेक्ट शाफ्ट एट एनी किसी भी डिजायर्ड एंगल पे, अगर पावर ट्रांसमिट करनी है तो हम करते हैं बेवल गियर यूज, बट नॉट इन पैरेलल, पैरेलल में नहीं यूज होता है। रैक एंड पिनियन गियर्स, रैक एंड पिनियन यूज टू कन्वर्ट द रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में चेंज करना है तो आप रैक एंड पिनियन यूज करते हो। गियर जनरेटिंग मेथड्स कौन कौन से हैं? गियर शेपिंग, गियर प्लानिंग और गियर होबिंग। गियर शेपिंग पिनियन कटर, गियर प्लानिंग रैक कटर और गियर होबिंग, ये आपके मेथड्स हैं गियर जनरेशन के लिए। गियर शेपर प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस ए पिनियन शेप्ड कटर इज यूज्ड विच इज माउंटेड विद इट्स एक्सिस, एक्सिस पे माउंट होता है वर्टिकली एंड इज रेसिप्रोकेटिंग अप एंड डाउन मोशन में मूव करता है। दिस प्रोसेस इज मोस्ट वर्सेटाइल ऑफ गियर कटिंग, गियर कटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ये मोस्ट वर्सेटाइल प्रोसेस है जो आपका यूज़ करते हैं गियर्स को कट करने के लिए। नेक्स्ट आ गया गियर शेपिंग ऑपरेशन,
ए रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ कटर, रोटरी मोशन ऑफ कटर, रोटरी मोशन ऑफ वर्क स्पिंडल, इन फीड कैम रोटेशन टू फीड द कटर इन टू द वर्क पीस इन ऑर्डर टू अचीव फुल टूथ की डेप्थ मिले, ई गियर ब्लैंक रिलीफ मूवमेंट ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक ऑफ कटर इन ऑर्डर टू अवॉइड द टूल मार्क्स ऑन द गियर टूथ फ्लैंक्स। ये कटर हो गया, नीचे गियर हो गया जो बन रहा है। स्ट्रोक लेंथ वेरिएशन बाय एडजस्टिंग एक्स और वाई डायरेक्शन में आपकी मशीन्स चलती हैं तो वो स्ट्रोक लेंथ एडजस्ट कर रहे हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में। गियर शेपिंग मशीन ऐसे वर्क करती है। गियर गाइड हो गई ऊपर, गियर हेड, कटर हेड बॉडी, कटर गियर, पैकिंग ब्लॉक, वर्क स्लाइड। वर्क स्लाइड कैसे कर रहा है? बेड हो गया नीचे, बेस, बेस के ऊपर सारी आपकी मशीन टिकी होती है। सीक्वेंस इन गियर शेपिंग कटिंग प्रोसेस, सीक्वेंस कैसे है? द रोटरी मोशन ऑफ कटर एंड वर्क बी एंड सी इज सेट इन डेफिनेट रेशियो बाय यूज ऑफ गियर। द सिलेक्शन ऑफ कनेक्टिंग गियर्स, सिलेक्शन होती है कनेक्टिंग गियर्स की इन द गियर ट्रेन इज मेड डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ टीथ्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि गियर कैसा मैन्युफैक्चर होएगा। ऑन द कटर एंड द नंबर ऑफ टीथ्स ऑफ गियर टू बी कट, द कटर रेसिप्रोकेट अलॉन्ग द डायरेक्शन ए ड्यूरिंग एवरी रिटर्न स्ट्रोक of the cutter, the job is relieved from the cutter by cam along the direction E. The cutter head moves along these until its complete tooth depth is achieved. After full depth is achieved, the job rotates through one complete revolution mein rotate karta hai. गियर शेपिंग प्रोसेस, गियर शेपिंग यूज्ड ए कटिंग टूल इन द शेप ऑफ गियर। गियर शेपिंग जो है यूज होती है ए कटिंग टूल इन द शेप ऑफ गियर्स में विच इज रेसिप्रोकेट एक्चुअली अक्रॉस द गियर ब्लैंक टू कट द टीथ, कट करने के लिए टीथ को, वाइल द ब्लैंक रोटेट्स अराउंड द शेपर टूल। इट इज ट्रू शेप जनरेशन प्रोसेस in that the gear shaped tool cuts itself into mesh with the gear blank. Gear cutting using rack cutter se use karke cutting ho rahi hai. Gear shaping is performed as rack cutter with 3 to 6 straight teeth. The cutter reciprocating parallel to work axis when cutting spur gears and parallel to the helix angle when cutting helical gears, per gear और helical gear के लिए हम rack cutter का use कर सकते हैं। आगे आपका pinion shaped cutter gear blank reciprocating motion में move कर रहा है up and down और वो cutting करे जा रहा है। setup of gear shaping operation pinion shaped cutter के through cut किया जा रहा है उसको। गियर शेपिंग बाय पिनियन टाइप कटर, द पिनियन कटर जनरेटिंग प्रोसेस इज फंडामेंटली सेम एज जैसे रैक कटर वर्क करता है वैसे ही पिनियन कटर वर्क करता है। एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग रैक कटर इट्स यूजेस पिनियन टू जनरेट द टूथ प्रोफाइल। द कटिंग साइकिल इज कमेंस्ड आफ्टर द कटर इज फेड रेडियली इन टू द गियर ब्लैंक इक्वल टू द डेप्थ ऑफ टूथ रिक्वायर्ड। ब्लैंक जो है वो इक्वल होता है टूथ जितना हमें रिक्वायर्ड है। द कटर इज देन गिवन रेसिप्रोकेटिंग कटिंग मोशन पैरेलल टू इट्स एक्सिस सिमिलर टू द रैक कटर एंड द कटर एंड द ब्लैंक आर मेड टू रोटेट स्लोली अबाउट देअर एक्सिस एट स्पीड विच आर इक्वली
एट द मैचिंग पिच सरफेसेस. दिस रोलिंग मूवमेंट ब्लो द टीथ ऑन द ब्लैंक आर कट. रोलिंग मूवमेंट जो है टीथ का वो ब्लैंक को कट करने के लिए. द पिनियन कटर इज ए इन ए गियर शेपिंग मशीन मे बी रेसिप्रोकेटेड आइदर इन द वर्टिकल और इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. डिस्क टाइप शैंक टाइप स्पर एंड हेलिकल गियर ऑफ बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल कट करने के लिए इंटरनल गियर्स स्मॉलर डायमीटर के कट करने के लिए शैंक टाइप यूज किया जाता है. हब टाइप कटिंग इंटरनल गियर्स वेयर द कटर डायमीटर हैज़ टू कैप विद इन रिस्ट्रिक्टेड. कटर डायमीटर रिस्ट्रिक्टेड होता है, रिस्ट्रिक्टेड डायमेंशन दे दी जाती हैं जब. गियर होबिंग. होबिंग इज ए गियर जनरेशन मेथड मोस्ट वाइडली यूज फॉर कटिंग टीथ इन स्पर गियर हेलिकल गियर वॉर्म एंड वॉर्म व्हील. होबिंग जो है वो कटिंग टीथ मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है स्पर गियर में हेलिकल गियर में वॉर्म एंड वॉर्म व्हील में एंड मैनी स्पेशल फॉर्म्स. इन दिस प्रोसेस द गियर ब्लैंक इज रोल्ड विद रोटेटिंग कटर. जो गियर ब्लैंक है वो रोल करता है रोटेटिंग कटर के साथ कॉल्ड होब. उसको होब बोल दिया जाता है. ए गियर होब लुक्स लाइक वॉर्म वॉर्म के जैसे दिखेगा वो. ये देखिए गियर होबिंग कटर के साथ साथ चल रहा है और होबिंग करे जा रहा है वो. मेन फीचर्स ऑफ गियर होबिंग मशीन टेल स्ट्रोक स्टडी वर्क टेबल बेड टेबल स्लाइड. स्लाइड करेगा तभी वो कट करेगा. कॉलम होब हेड ओवरवॉर्म. गियर होबिंग इज ए मल्टी पॉइंट मशीनिंग प्रोसेस. गियर होबिंग जो है वो मल्टी पॉइंट मशीनिंग प्रोसेस है इन विच गियर टीथ आर प्रोग्रेसिवली. जिसमें गियर टीथ जो हैं वो प्रोग्रेसिवली जनरेटेड किए जाते हैं बाय ए सीरीज ऑफ कट्स विद ए हेलिकल कटिंग टूल होब. बोथ द होब एंड द वर्कपीस रिवॉल्व कॉन्स्टेंटली. होब एंड वर्कपीस जो हैं वो रिवॉल्व होते हैं कॉन्स्टेंटली एज द होब इज फेड अक्रॉस द फेस विड्थ ऑफ गियर ब्लैंक. दे रोटेट इन ए टाइम्ड रिलेशनशिप. जो है रोटेट करता है टाइम्ड रिलेशनशिप्स के साथ. ए प्रोपोर्शनल फीड रेट इज प्रोपोर्शनल. जो है फीड रेट आपको मेंटेन करके रखनी पड़ती है बिटवीन द गियर ब्लैंक के बीच में और होब के बीच में. सेवरल टीथ्स आर कट ऑन ए प्रोग्रेसिव बेसिस. बहुत टीथ्स कटिंग हो जाते हैं. इट इज़ यूज फॉर हाई प्रोडक्शन रनस. हाई प्रोडक्शन रन में गियर होबिंग यूज़ किया जाता है. ये देखिए होब्स लगे हुए हैं. वो गियर कट हो चुका है कटिंग के बाद का शेप देने के बाद का ऑपरेशन है ये. होबिंग इज़ अ प्रोसेस गियर टीथ बाई मीन्स ऑफ रोटेटिंग कटर कॉल्ड एज होब. होबिंग जो है वो प्रोसेस है रोटेटिंग कटर का जनरेट करने के लिए गियर टीथ को. इट इज़ कॉन्टिन्यूस इंडेक्सिंग प्रोसेस इन विच इंडेक्सिंग प्रोसेस है बोथ द कटिंग टूल एंड वर्क पीस के बीच में. रोटेट इन कॉन्स्टेंट रिलेशनशिप वाइल द होब इज बींग फेड इन वर्क into work. the hobe and gear blank are connected. hobe or gear blank jo hain wo connected hote hain by means of proper change gears. the ratio of hobe and blank speed in such that during one revolution of the hobe the blank turns through as many teeth. The teeth of hobe cut into the workpiece is successive order. Teeth जो हैं hobe cut slightly. Each hobe tooth cut its own profile. On profile के through cut करता है. Shape of cutter one. Hobe teeth are shaped to match the tooth. Teeth जो है वो tooth के साथ tooth की shape के साथ match करता है. And space and are
इंटरप्टेड विद ग्रूव्स, इंटरप्टेड करता है ग्रूव्स के बीच में, टू प्रोवाइड कटिंग सर्फेसिस, इट रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द गियर ब्लैंक, कटिंग इनटू द रोटेटिंग ब्लैंक टू जनरेट द टीथ. इट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट मशीनिंग प्रोसेस, ये जो है मोस्ट एक्यूरेट मशीनिंग प्रोसेस है, सिंस नो रीपोजिशनिंग ऑफ टूल और ब्लैंक इज रिक्वायर्ड. ईच टूथ इज टू बी कट, ये जो है यूज होता है स्पर गियर, हेलिकल गियर और वॉर्म एंड वॉर्म बिल के बीच में. सेटअप ऑफ गियर होबिंग देख लीजिए, फीड अलॉन्ग गियर टीथ, होब रोटेट कर रहा है गियर ब्लैंक्स रोटेशन. टाइप्स ऑफ गियर होबिंग, एक्सियल होबिंग टाइप्स हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, होबिंग के. ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे लेक्चर.